प्रेम कुमार सर, एक चीज तो देखी गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कभी फर्जी बयानबाजी या फिर हवा में कोई बातें कहते हुए नहीं दिखते हैं। अक्सर वो जो बातें कहते हैं उनके पीछे बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात जो कह दी है कि मोदी सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है, खासतौर पर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद कभी भी गिर सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस चुप नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। माइक सर। शुक्रिया हाँ प्रज्ञा जी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बातें कही उसमें तीन बातों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक तो ये कि उन्होंने कही कि ये सरकार गलती से बन गई है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये अल्पमत की है। और तीसरी बात कही कि हम चाहते हैं कि ये सरकार चले, हम गिराना नहीं चाहते। ये तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। कभी भी राजनीति ये नहीं डिमांड करती कि आप सरकारें गिराती रहिए। किसी सरकार को जो चुनी गई है उसको चलते रहने देना चाहिए जब तक कि वो अपने कारणों से न गिर जाए। उसकी खरीद फरोख्त से गिराना, पार्टियों को तोड़ना, ये सारे अलोकतांत्रिक तरीके हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो तीसरी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लोग गौण कर देते हैं। ये दिखना नहीं चाहिए कि कांग्रेस सरकार तोड़ना चाहती है, और ऐसा है भी नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि गलती से, पहली बात पर आए तो गलती से सरकार बनना क्या है? ऐसे तो प्रत्यक्षता दिखता है कि एनडीए को बहुमत है, उसकी सरकार बनी है। और प्रत्यक्षता और ये भी दिखता है कि देश की दो प्रमुख पार्टियों जो दो गठबंधन नेता गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, उनमें से एक को जनता ने बहुत नीचे कर दिया और एक को जनता ने दुगने दुगने के करीब पहुंचा दिया। ये भी एक फैक्ट है। तो ऐसे में गलती से का अगर हम मतलब समझे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या सोच सकते हैं, तो मुझे जो एक पॉइंट नजर आता है वो ये कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, उसके संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना है, ये सबसे बड़ी गलती है इस सरकार की। जो हम कह सकते हैं कि ये गलती से बनी सरकार है या गलत तरीके से बनी सरकार है। कि एनडीए का नेता चुने ये एक डिफरेंट बात है, बाद की बात है। बीजेपी के संसदीय दल के सदस्य एनडीए में जाकर के तो अपने नेता का प्रस्ताव नहीं रखेंगे, यानी उन पर एक नाम थोपा गया है, उनको मानने के लिए बाध्य किया गया है। ये अनडेमोक्रेटिक है। और संसदीय दल के नेताओं को दूसरा विकल्प देने का अवसर नहीं दिया गया और नरेंद्र मोदी को मानने के लिए विवश कर दिया गया। ये है गलती से सरकार बनने का मतलब। इसके बाद अगर गलती से बनी सरकार का हम मतलब समझे, तो जरूरत के आधार पर बना गठबंधन को भी हम कह सकते हैं, जो ठीक चुनाव से पहले कह रहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और कह रहे थे अमित शाह के, ललन सिंह कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे लिए हमेशा हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो ललन सिंह आज उनके नवरत्नों में से शामिल शुमार हो गए हैं। या वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो इस सरकार का पार्ट है। ये एक एक बात है। उसी तरह से एन चंद्रा बाबू नायडू भी चुनाव से ठीक पहले आए थे अपनी जरूरतों के लिए, जिनके दरमियान बीजेपी और एन चंद्रा बाबू नायडू के बीच में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। तो ये भी इस आधार पर भी हम इसको गलती से बनी सरकार बोल सकते हैं, जरूरत से बनी सरकार बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने अपने मत को, मत भिन्नता को छिपाया हो। मत भिन्नता बड़ा चीज, बड़ी बात है, लेकिन सरकार के रहने के लिए, किसी तरीके से सरकार बनाने के लिए उन मतभेदों को दूर रखा है। ये दो प्रमुख कारण है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के, को हम इस तरह से देखते हैं। उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो बात है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं वही बात आरएसएस के लोग भी बोल रहे हैं, तो उसकी एक अलग व्याख्या। आरएसएस के रिएक्ट करने का एक अलग एक सोच है। आगे जब आप प्रश्न करेंगे तो हम उस हिसाब से उसका उत्तर देंगे। प्रेम कुमार सर, इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक करी है, मीटिंग करी है,
कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेला हुआ है। अब 29 जून को नीतीश कुमार की दिल्ली में बैठक है, जेडीयू की कार्य समिति की बड़ी बैठक है, वहां पर कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज देने की का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी उस स्थिति में है नहीं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जा सके। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा खेला 29 जून को हो रहा है या फिर उसके बाद हो रहा है? जी प्रज्ञा जी, आप इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं। दिल्ली की बैठक में ये हो सकता है, जैसे अमूमन होता है कि बड़े मुद्दों पर फैसला लेने का हक नीतीश कुमार पर छोड़ दिया जाता है। हाँ। तो अब कैसे विशेष पैकेज मिलेगा ये नीतीश कुमार पर छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब फिर आगे जब जो निर्णय लेना हो लो, तो ये इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है बैठक। और इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो घटित हो रही घटनाएं इस सरकार को कमजोर बनाती हैं। हम आरएसएस के इर्द गिर्द जो बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां बीजेपी कमजोर हुई है और आरएसएस यहीं पर अपने आप को मजबूत होते देख रही है। यानी जहां बीजेपी कमजोर होगी वहीं से वो नरेंद्र मोदी की कमान जो है अपने हाथ में ले सकते हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी जरूर बोले कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस ऐसे नहीं सोचता। आरएसएस सोचता है जेपी नड्डा कौन होता बोलने वाला कि बीजेपी कौन देखे कौन ना देखे, तुम तो अभी आए हो, 5-10 साल से देख रहे हो, आरएसएस ने बीजेपी को खड़ा किया। तो इसलिए जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी 2-3 लोग तय नहीं करेंगे कि बीजेपी किसके पास और किसके आरएसएस के साथ रहे या ना रहे। आरएसएस तय करेगा कि बीजेपी हमारे नियंत्रण में है और कितना रहे, वो ढील देकर चलता है। आरएसएस का जो पक्ष है क्या है, हम आपके डेली के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते, आप जैसे राजनीतिक कार्यक्रम है करिए, लेकिन हमारे कुछ बात, हमारी कुछ बातें हैं तो उसको आप लेके चलिए, जो भी ये राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह वगैरह, और हिंदू मुस्लिम को लेकर के उनकी जो सोच है, कभी डीएनए बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, वो भ्रम में रहते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन वो उसका है कि हमारी आइडियोलॉजी के साथ रहे, हम आपके साथ हैं, हमारा आप पॉलिटिकल फ्रंट हैं, ये भी तय है। तो आप पॉलिटिकल फ्रंट है तो पॉलिटिकल फ्रंट बोलेगा कि हमारा मदर फ्रंट से, मदर ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ये बोलने की हैसियत कैसे हो गई। ये आरएसएस की चिंता है। इसलिए ये बैठक देखिए महाराष्ट्र में भी हो सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र में होने का वो इम्पैक्ट नहीं होता। दिल्ली में हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में आरएसएस उतनी मजबूत नहीं है जितनी अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी हैं। तो उत्तर प्रदेश, जहां पर कि हार के कारणों में दो भाग है, एक योगी जी को मानता है कारण और दूसरा अमित शाह को मानता है कारण, स्पष्ट रूप से है। तो इसमें यहाँ पंचायती करने की गुंजाइश है आरएसएस के लिए, वो यहाँ आकर के अपना स्पेस देख सकता है। वो अजित योगी से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे उनकी बात ले सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ क्या बताएंगे, यही तो बताएंगे कि इलेक्शन में हमारा कोई रोल ही रहने नहीं दिया गया, हमारे उम्मीदवार ही मन से नहीं डाले गए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन किसी उम्मीदवार को नहीं बदला, तो अब हार गए हैं तो अब हमको संभालना पड़ रहा है, यही तो बात रखेंगे। तो इन बातों के बिहाफ में आरएसएस फिर उनसे कमान लेना चाहे, उनसे पूछना चाहेगा कि तुम बताओ क्या जवाब है, आगे कैसे करोगे, क्या करो। तो इस तरह से आरएसएस यहाँ पकड़ मजबूत करना चाहता है। और इस दौरान चूंकि इन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी आरएसएस के लिए कि जनता में बीजेपी ही बदनाम नहीं हुआ है, आरएसएस भी बदनाम हुआ है, बीजेपी की साख गई, यानी आरएसएस की साख गई। तो आरएसएस सोचता है कि बीजेपी पार्टी तो हम फिर नहीं खड़ी कर लेंगे, आरएसएस नहीं कैसे खड़ी करेंगे, इसलिए हमें जनता के की भावना को, जनता की बातों के साथ चलना है। इसलिए आरएसएस भी अपोजिशन वाला रोल ले लेता है, आरएसएस भी राहुल गांधी की भाषा बोलने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको जनता के साथ रहना जरूरी है, डिफरेंस दिखाना जरूरी है कि हम अहंकारियों के साथ नहीं है, हम बलात्कारियों के साथ नहीं है, हम जो तानाशाही रवैया अपना रही सरकार, हम उसके विरोध में है। ये छवि आरएसएस जनता के मन में देना चाहता है, ये उसकी मजबूरी है।
तो इस वजह से हम इस विरोध को इस रूप में देखें कि आरएसएस अपने नियंत्रण को बीजेपी पर मजबूत करने के लिए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की बढ़ी हुई ताकत को कम करने के लिए या नियंत्रण में लाने के लिए वो सारी बातें कर रहा है, चाहे फ्रंट में कुछ उनका स्टेटमेंट हो, चाहे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो, और आने वाले समय में भी ऐसे कुछ स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं। जी प्रज्ञा।